प्यारी सासू, सब तो पहला गुरु फति दी सांझ करी गच के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज आपा तन तन साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का शहीदी गुरुपुरब मना रहे हैं। जिन्नी भी संगत बैठी है सारे बेनती है कोई भी रसना वांझी ना रवे, सारे में कृपा करनी है। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी।
सिखी दानी छटनारा आर्या तू चीरी जाइवे मेरा सिखी दानी छटनारा संगत में सिखी दानी छटनारा आर्या तू चीरी जाई वे मेरा सिखी दानी छटनारा आर्या तू चीरी जाई वे आर्या तू चीरी जाई वे आर्या तू चीरी जाई वे सिखी वाली राह उते दूर ते ही जावांगे दूर ते ही जावांगे दूर ते ही जावांगे दूर पाई ततीरे सिर ते पावांगे सिर ते पावांगे सिखी दानी छटनारा आर्या तू चीरी जाई वे मेरा सिखी दानी छटनारा तू चीरी जाई वे सर संगत मेरा सिखी दानी छटनारा जावांगे कहिए ते जावांगे
सत्कारियो गुरु दिसा जेनिवाजी साध संग जी तन श्री गुरु तेग बहादुर सचे पातशाह जिस कारज लई इस धरती ते आई सन अनेका पोतक कीती ओह कृपागति कीती 26 साल 11 महीने पूरे विच बह के तप कीता। प्यारियो जद आप आनंदपुर साहिब आके मेरा करे सन तक कश्मीर तो चल के सारे पंडित सतगुरु जी दे कोल आंदियां एक एक करके मठा टेक दियां। प्यारियो कोबा निकल जांदियां जिवे जिवे कश्मीर दे पंडित मठा टेक दियां मन बैराग सा सा जांदा है। प्यारियो मेरे तन गुरु तेग बहादुर सचे पातशाह पंडिता वल वेखदियां ते कहंदियां पंडिता प्यारियो इन्ना क्यों दुखी हो रहे हो इन्ना क्यों रो रहे हो की कारण है। प्यारी सात संगत जी पंडित कहन लगे महाराज असी कश्मीर तो चल के आए हां औरंगजेब बादशाह सानू साडे धर्म विच रहन नहीं देंदा ओ सानू जबरदस्ती मुसलमान बना रहा है। प्यारियो वो कहने ने पाछा ए पंडिता दा मुखिया साडी नाल आया है हरदयाल पंडित इन्हां दा घर बार सब कुछ छाड़ दिता है तोड़ दिता है ते इन्हां दी कुड़ी नू चुक के ले गए आ ते एक कसाई दे पुत दे कोल बिठा दिता है। पाछा केड़ी केड़ी घर दी कहानी दसा जो इस वेले साडी ते वर्त रही है केड़े केड़े घर की कहानी दसा। प्यारियो वो कहंदे आ पाछा वड़े वड़े देवी देवता पैगंबर वड़े वड़े मनाई सन ते अमरनाथ भी जाके अरदासा कीती उत्थो तो आवाज आई आ कि इस वेला कलयुग दा समा है गुरु नानक दा पैर आया कुछ सतना ते गुरु नानक दी गद्दी री तुहाडी धर्म दी रक्षा कर सकदी है और कोई नहीं आखो जी सतना और कोई नहीं कर सकदा। प्यारियो वो कहंदी है पाछा ओ अहंकारी तुर्क औरंगजेब सवा मान जंजू तार के फिर रोटी खाउंदा है इन्ना जालिम है महाराज हिंदुस्तान दी थां थां ते जिथे भी कोई चंगा मंदिर देखदा है उस नूं तुड़वा के वो मस्जिद बना देंदा है। पाछा मथुरा वर्गा मंदिर भी उसने मस्जिद बना दित्ती है। पाछा कृपा करो साडी ते आखो जी सतना श्री वाहे कृपा करो एथे तक कि जो आपा माथे ते तिलक लांदे आ ओ तुर्क लोग उस नु भी जीवन नाल चाट के चले जांदे आ। पाछा कृपा करो साडे धर्म नु भ्रष्ट कर रही आ कृपा करो साडी ते। प्यारियो इन्नी गल सुन के जिन्नी संगत बैठी सी ना वो सारी रोन लगती है उन्हां दा दुख सुन के। प्यारियो तन गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह पार तो खिड़ के आ रहे सन ते उन्हां दी उम्र उस टाइम 9 साल दी सी ते उन्हां दा नाम गुरु गोविंद राय जी सी। प्यारियो वो आउंदी नी ते मत्था टेकदी नी ते सतगुरु जी दी गोद विच बैठने वाले सन ओ वेखदे ने ते कहंदे ने गुरु पिता की होया इन्ना बैराग क्यों छाया होया है ए इन्ना क्यों रो रहे ने की कारण आ। प्यारियो मेरे सतगुरु जी कहंदे आ पुत इन्हां दा धर्म खतरे विच आ जिथे जिथे भी हिंदू बैठे ने उन्हां दा धर्म खतरे विच आ औरंगजेब बादशाह इन
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਾਰ ਹੈ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੁਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਾਰੀ ਬਣਿਆ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਦੁਖੀ ਆਵੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਚੋਲੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੁਗਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਲਾਜਾਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੋ। ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁੱਖ ਇਸਨੇ ਅਰਪੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਐਸਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜੋ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕਰਕੇ ਮਾਣਦਾ ਹੋ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਣਦਾ ਹੋ, ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਾਣਦਾ ਹੋ, ਐਸਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਆਪ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਇਨ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਲਾਜਾਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੋ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਸਮਾਨ ਮਾਣਦਾ ਹੋ, ਮਾਨ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਾਣਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਨਾਂ ਅਨਾਥਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਾਓ ਉਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੇ ਕਹਿ ਦੋ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲੇਵਾ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ, ਆਪ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਤਾਂ ਆ ਫਰਮਾਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲੈਣਗਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਜਦ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗੀ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀ, ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਓ, ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਖਾਨੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਰਾਮਾਤ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਆ ਮੌਤ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੌਤ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਏ ਨੇ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ
तू अपने सतगुरु जी का सिद्ध प्रसाद खा के दिल्ली दे लाहौर दिया इट नाल इट खड़का सकता है जा है हिम्मत ता दिखाओ कोई करामात। गुरु प्यारियो भाई मती दास जी कहंदे ने औरंगजेब हिम्मत ता बहुत आ मेरे अंदर पर मैं अपने सतगुरु जी दे हुक्म तो पार नहीं चल सकता। कुजी सतनाम श्री वाहेगुरु मैं अपने सतगुरु जी दे हुक्म तो पार नहीं चल सकता। औरंगजेब ने भाई मती दास जी ने आर्या नाल चलान दा हुक्म दे दिता। जद भाई मती दास जी आर्या नाल चीरे जा रहे सन ता उस वेले जप जी साहिब दा पाठ आरंभ सी। प्यारियो जद उना दे शरीर दे दो फाड़ हुए ता लहू विच आवाज आउंदी है जिन्नी नाम ते आई आखो जी सतनाम श्री वाहे। प्यारियो भाई मती दास जी आर्या नाल चिराग पर धर्म नहीं साड़िया धर्म नहीं हारिया। गुरु प्यारियो भाई सती दास जी नु रूई नाल बाल के आग ला दित्ती गई ते काजी मुल्ला कहंदे रहे कि हुन भी तुहाडे कोल टाइम आ हुन भी इस मलाम कबूल कर लियो पर वो अग दे टीर हो गए प्यारियो ते तरन नहीं सकिया। आखो जी सतनाम श्री वाहे। ते फिर भाई दयाला जी देख विच उपालन दा हुक्म दे दिता गया। सो प्यारी साध संगत जी इस तरह भाई मती दास जी भाई सती दास जी ते भाई दयाला जी सहित प्राप्त कर गए। आखो जी सतनाम श्री वाहे। ता मेरे तन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह उन्हां नूं लाख तशीखे दित्ती गई ते जद एक ना मनी ता जिथे आज सीस गंज साहिब है चौबी घंटे लंगर चलता रहंदा है जोता जगदिया रहंदी है उथे मेरे तन गुरु तेग बहादुर जी सच्चे पातशाह जी नु शहीद किया गया। आखो जी सतनाम श्री वाहे। गुरु प्यारियो तिलक जंजू राखा प्रभु दाता किनो पढ़ो कुल में साका साधन एत जितेन करी सीस दिया पर सीना उचरी। मेरे तन गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह इसलिए कहंदे सन कि मेरे गुरु पिता ने एक अनोखा काम किया ना तिलक लाउंदे सन ना जनाऊ दे तारे सन पर जद वेखिया हिंदू धर्म ते खतरा ता हिंद दी चादर बन के हिंदू धर्म दी रखिया कीती। आखो जी सतनाम श्री वाहे। हिंद दी चादर बन के हिंदू धर्म दी रखिया कीती प्यारियो। सो इस तरह तन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह शहीदी प्राप्त कर गए। गुरु प्यारियो तन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह विचित्र नाटक विच लिखते आ तेग बहादुर के चलत पयो जगत को सो है सब जग पयो जय 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 सुरलो। सो आओ प्यारियो तन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी दे चरणों विच अरदास करिए कि हे सच्चे पातशाह सानू भी सिखी स्वरूप दियां दाता बख्शे जेकर साडा ओह लोक भी सुधर जाए ताए परलोक भी। प्यारियो सारियां नू उच्ची आवाज विच कृपा करनी है कोई भी रसना वांझी ना रहे। आओ जी सारे are
बोले सोनियों। अच्छा जी अच्छा जी, आपकी बात तो सुनी जाएगी। हाँ आओ गुरु प्यारी सत्संग जी, सत्संग जी का हुक्म होया है पंज मिनटा लई कारज तेरा होवे पूरा, इको नाम ते आए मन मेरी। सत्संग जी कोई रसना वांझी ना रवे, सारे ने कृपा करनी। एको नाम ते आए मन मेरे कारज तेरा होवे पूरा, कारज तेरा होवे पूरा। सारी संगत एको नाम ते आए मन मेरे
आओ गुरु प्यारी सत्संग जी इन्नी हाजरी प्रवान करनी जिन्ना भी भुला चुका गलती होगी हुण गया सत्संग बख्शन योग है आओ गुरु प्यारी सत्संग जी सिख पंथ दे महान कीर्तनी भाई सरबजीत सिंह जी पटना साहिब वाले पहुंच चुके हैं सत्संग जी 17 ते 18 तारीख जनवरी नूं विशेष कीर्तन दीवार मुरद विखे हो रहा है जिस पंथ के महान कीर्तनी रतन भाई साहब भाई गुरु इकबाल सिंह जी पहुंच रहे हैं सत्संग जी नूं बेनती है 17 तारीख नूं अमृत संचार होना है संगत जी बढ़ चढ़ के अमृत संचार अमृत तारी वाले बनो ते अपने बच्चों ने अमृत संचार कराओ इन्नी हाजरी प्रवान करनी असी सब बख्शो जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे जी बोलो।